स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले प्रभावों के साथ जलवायु परिवर्तन हमारे समय का सबसे गंभीर खतरा है। पिछला दशक पिछले 1,25,000 सालों में किसी भी अवधि में तुलना में अधिक गर्म था। वैश्विक महासागर 11,000 सालों की तुलना में तेजी से गर्म हुआ है और 1901 से 1971 की तुलना में समुद्र के स्तर में वृद्धि 3 गुना हो गई है। अगस्त में प्रकाशित इंटरगवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज की नई रिपोर्ट के अनुसार ये निष्कर्ष एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करते हैं जहां अधिक गर्मी, भारी बारिश और सूखा तेजी से लगातार गंभीर बनता जा रहा है। ग्लोबल साउथ में कई दशकों से जलवायु प्रेरित आपदाओं से कई लोगों की जान गई है, स्वास्थ्य प्रणालियों पर बोझ पड़ा है और अब तेजी से ग्लोबल नॉर्थ में ये बढ़ रहा है। जर्मनी और बेल्जियम में हालिया बाढ़ जो वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन से 3 से 19% तेज हो गई थी, लगभग 200 लोगों की मौत का कारण बनी। कनाडा में अत्यधिक गर्मी ने लगभग 700 लोगों की जान ले ली और इसे मानव जनित जलवायु परिवर्तन के बिना लगभग असंभव माना गया है। जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर असर पहले से ही महसूस किया जाने लगा है। जानकारों के मुताबिक धरती की सेहत और हमारी अपनी सेहत के बीच एक संबंध बनाकर हम जलवायु कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और मनुष्य के स्वास्थ्य के बीच जुड़ाव को देश अब धीरे धीरे स्वीकार करने लगा है, लेकिन वैश्विक गर्मी के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए वित्तीय मदद की कमी से गरीब देश जूझ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक यहाँ स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव देखे जा रहे हैं, चाहे वो कुपोषण हो या मच्छरों से होने वाली बीमारियाँ। WHO में जन स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक निर्धारकों की निदेशक मारिया नायरा ने DW को बताया कि स्वास्थ्य के बारे में पहले चर्चा की गई थी और अब इसी की बात सामने आई है। लोग कहते हैं कि हमें धरती को बचाना है, लेकिन हमें दरअसल खुद को बचाना है। धरती हमें बहुत बड़ी है, वो हमें सह लेगी। WHO ने आगाह किया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कुपोषण, मलेरिया, डायरिया और गर्मी या लू जैसे प्रभाव देखे जा सकते हैं, जिनसे हर साल करीब 2.5 लाख अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने का तरीका ढूंढने में देश सफल भी हो जाए तो दुनिया भर में अरबों लोगों की सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ना तय है। स्वास्थ्य संबंधी देखरेख और बुनियादी ढांचे की कमी के अलावा पैसों की कमी से जूझ रहे विकासशील देशों पर सबसे ज्यादा गाज गिरेगी। गरीब देशों के स्वास्थ्य केंद्र पहले से ही भारी दबाव में काम कर रहे हैं और वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी से पानी और खाद्यान्न उत्पादन कम हो रहा है, जिसके चलते और बीमारियों से उन्हें निपटना पड़ रहा है। पहले से बिगड़ती सेहत जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर में स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि 2030 और 2050 के बीच जलवायु परिवर्तन के चलते अकेले कुपोषण, मलेरिया, दस्त और गर्मी से प्रतिवर्ष लगभग 2.5 लाख अतिरिक्त मौतें होने की संभावना है। स्वास्थ्य देखरेख में मजबूती COP26 में बांग्लादेश, इथियोपिया और नीदरलैंड्स जैसे करीब 50 देशों के समूह ने स्वास्थ्य पर हो रहे प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए जलवायु के लिहाज से लचीली या जलवायु उन्मुख स्वास्थ्य प्रणालियां अपने अपने यहां पर विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है। इन उपायों में स्वास्थ्य देखरेख से जुड़े कार्यबल को मजबूत करना, अस्पतालों का निर्माण और बाढ़ आदि से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास जैसे उपाय शामिल हैं। और भी देश स्वास्थ्य के लिहाज से सोचने लगे हैं। WHO की स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन वैश्विक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस समझौते के तहत ये देश अपनी अपनी राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में उत्सर्जन में कटौती के लाभों से लेकर हेल्थ केयर सिस्टम के अनुकूलन को प्राथमिकता दे रहे हैं। स्वास्थ्य देखरेख के नए तरीकों के तहत शहरों को ठंडा रखने के प्रभावशाली तरीके तैयार करने भी शामिल हैं, ताकि बेतहाशा गर्मी से होने वाली बीमारी और मृत्यु को टाला जा सके। जलवायु कार्रवाई और इंसानी सेहत से जुड़ाव को देखते हुए ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने के लिए जिस बदलाव की जरूरत है उसे गति मिल सकती है, लेकिन उसके लिए जलवायु परिवर्तन की लड़ाई के इरादे और रफ्तार में जो बदलाव चाहिए वो भी इसी से आएंगे। जैसे कि वायु प्रदूषण हर साल करीब 70 लाख मौतों का कारण बनता है, लेकिन फॉसिल ईंधन के इस्तेमाल में कटौती करने वाली जलवायु कार्रवाई से ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी आएगी और हवा की गुणवत्ता भी सुधरेगी, साथ ही लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। जीवन के सबसे बुनियादी संसाधन अगर ठीक से काम करेंगे तो इंसानी सेहत की हिफाजत भी की जा सकती है, और ये संसाधन हैं स्वास्थ्य, जलवायु, स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ जंगल,
हमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तेजी से कम करने के उपाय पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में ही सीमित रखा जा सके। ऐसी कार्रवाई के अभाव में हम भविष्य की पीढ़ियों के कल्याण को बहुत बड़े स्तर में डाल रहे होंगे। अब हमें वाकई अपनी दुनिया की सामूहिक लाचारगी के बारे में सोचना चाहिए। सबसे बलशाली नेता, सबसे हाईटेक वैज्ञानिक प्रतिष्ठान और सबसे ताकतवर आर्थिक शूरवीर सबको मुकाबले के लिए अपना जोड़ीदार इस दीनहीन वायरस में मिला। हमें विनम्र बनना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमें क्या अलग ढंग से करने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।